साल 2021 का आज पहला दिन है, लेकिन दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों की सुबह आज धुंधली नजर आई। चारों ओर कोहरे की सफेद चादर बिछी नजर आई। आलम यह था कि विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई कई जगहों पर। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। तो आज नए साल का आगाज जो है वो धुंध और कोहरे के साथ हुआ है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा आज सुबह सवेरे देखने को मिला, जिसके बाद वाहनों के पहिए जो हैं उनकी रफ्तार धीमी हो गई, कुछ वाहनों पर ब्रेक भी लग गए। कई जगह पर विजिबिलिटी थी वो शून्य तक जा पहुंची, जीरो तक जा पहुंची। ऐसे में समझिए आप लोगों के सामने किस कदर परेशानी। साल 2021 का आज पहला दिन है और दिल्ली में आज की सुबह कुछ अलग है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। हालात ये हैं कि कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है और लोग बच बच कर आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट की है, जहाँ फॉग इतना ज्यादा है कि दूर से देखने पर इंडिया गेट नजर ही नहीं आ रहा। कोहरे का बहुत ठंड है आज, और इंडिया गेट पे आके घूमने के लिए आए थे, बट बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बट इट्स ओके, वी विल एंजॉय। हम नवादा से रनिंग करते हुए आए हैं, बिल्कुल भीगे पड़े हैं, इतना ज्यादा हो सका कल से, बहुत ज्यादा है, कल से ठंड भी होता है। आज के कल के मुताबिक सर बहुत कोहरा है आज, और हम निकले 4:50 पर, तब तो थोड़ा दिख नहीं रहा था रोड पे कुछ भी, अब तो थोड़ा दिखना चालू हुआ है, तो अब तो थोड़ा ठीक ठाक है, कल से तो बहुत ज़्यादा था। आज बहुत कोहरा है आज न्यू ईयर पे, आज कल से ज़्यादा ठंड है। कोहरा इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कोहरा है, कल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। दिल्ली के अक्षरधाम की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ आज दूसरे दिन भी कोहरा कायम रहा, कुछ भी देख पाना मुश्किल। गाड़ियों के हेडलाइट्स के अलावा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात करें तो नोएडा में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी घटकर महज 5 से 100 और कहीं कहीं 150 मीटर ही रही। नए साल की शुरुआत दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड और कोहरे के साथ हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कोहरा है वो बढ़ गया है। कुछ समय पहले जो विजिबिलिटी थी वो जीरो थी, और वो अभी भी जीरो से लेकर जो है वो 50 मीटर तक ही बनी हुई है, जिसकी वजह से जो लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं या नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो गाड़ियों की रफ्तार है वो जो है वो धीमी हो चुकी है, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि साल के शुरुआत में यानी 2021 के शुरुआत में जो कोहरा है वो ठंड के साथ बढ़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि जो जनवरी का पहला सप्ताह है उसमें 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच में पहाड़ों पर बर्फबारी एक बार फिर होगी, जिससे तापमान में जो है वो न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो जब बनता है तो न्यूनतम तापमान में कमी आती है। लेकिन बावजूद इसके 3 जनवरी से जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली वासियों को, जो लोग नोएडा जाना चाहते हैं, उनके लिए कोहरे ने परेशानी बढ़ाई हुई है। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो लगातार कम हो गई है, क्योंकि परेशानी जो है वो अब दिल्ली वासियों के लिए और जो दिल्ली NCR में जो रहते हैं लोग उनके लिए बढ़ गई है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि जो 31 दिसंबर का जो दिन रहा यानी 2020 का आखिरी दिन रहा वो भी सबसे ठंडा दिन रहा, क्योंकि उससे पहले 20 दिसंबर को जो न्यूनतम तापमान था वो 3.4 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन कल का जो तापमान था वो 3.3 दर्ज किया गया, यानी ठंड जो है वो अभी बरकरार रहेगी दिल्ली में। नोएडा के मुकाबले दिल्ली में कोहरा थोड़ा कम है, जिस वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी 200 से 300 मीटर तक बनी हुई है। कल्याणपुरी से कालका जी डिपो जा रहा हूँ सर, इतना तगड़ा कोहरा पड़ रहा है, पीछे से आया हूँ और मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अभी अभी मतलब कि एक गाड़ी में टक्कर भी लग जाती,
इतना भयंकर कोहरा पड़ रहा है डीएनटी एक्सप्रेस हाईवे पे। क्लाइमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत के मुताबिक दिल्ली में जो कोहरा आज है वो पूरे दिन रहेगा, साथ ही कल यानी 2 जनवरी को भी ये कोहरा बना रहेगा। दिल्ली में कोहरा इतना घना है कि राह पर चलना मुश्किल हो चला है। विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नए साल के मौके पर उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। अगले 24 घंटे में यह शीतलहर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में तेज होने की आशंका है। यह स्थिति 2 जनवरी तक बनी रहेगी। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। मानसा, पटियाला, मोगा, बठिंडा, अंबाला, पानीपत, सोनीपत और रोहतक की 8 अलग अलग तस्वीरें, जहां कोहरे की वजह से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर शहर कोहरे का कहर, डबल अटैक कह सकते हैं हम, डबल टॉर्चर। चुकी एक तरफ शीतलहर, ठंडी हवाएं, तापमान में गिरावट, दूसरी तरफ घना कोहरा जो कि विजिबिलिटी कम होने से परेशानी भी बढ़ा रहा है। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी पर ठंड का डबल अटैक हो रहा है। आज मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली के तापमान में आगे और भी गिरावट हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल की दस्तक के साथ ही पारा गिर गया है। सुबह से ही पूरे शहर पर कोहरे की चादर छाई रही जो दोपहर तक बनी रही। दिल्ली में कपकपा देने वाली ठंड भी जारी है। आज जनवरी के महीने में दिल्ली की पिछले 10 सालों में सबसे ठंडी सुबह रही। आज दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले पिछला रिकॉर्ड 8 जनवरी 2006 को 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान का था। जनवरी के न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड -0.6 डिग्री सेल्सियस है जो 16 जनवरी 1935 में बना था। मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि इस साल ठंड का प्रकोप पिछले सालों की बजाय ज्यादा है। 1.1 डिग्री है, जो जैसे हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग जैसे ही फोरकास्ट दिया था कि सीवियर कोल्ड वेव दिल्ली में होगा, लंबा रहेगा, तो आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। 1.1 यानी बहुत कम है। तो अगर रिकॉर्ड का सफदरजंग एयरपोर्ट में है 1.1, लोधी रोड में है 1.4, तो मतलब बहुत ही कम है। अगर रिकॉर्ड का हम देखें तो हमारे पास रिकॉर्ड है 1901। तो 1901 जो अगर डेसिमल का ना देखा जाए तो आज का जो तापमान है 1.1, ये थर्ड लोएस्ट हो सकता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो दिल्ली के पालम इलाके में सुबह 7 बजे का तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें लोधी रोड की तो यहां तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आयानगर में 1.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि सफदरजंग में 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। नए साल की शुरुआत है और दिल्ली में ठंड ने जो है अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नए साल में भी जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 2 दिनों तक यानी आज और कल जो है तापमान वो है जो न्यूनतम तापमान वो फिर से गिरने वाला है और उसी के कारण जो है दिल्ली में शीतलहर बरकरार है। और अब जो है नया जो सप्ताह आने वाला है, जनवरी का पहला सप्ताह, उसमें भी जो है ठंड जो है काफ़ी दर्ज की जाने वाली, क्योंकि पहाड़ों में एक बार फिर से 3 से 6 जनवरी के बीच बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में जो है ठंड एक बार फिर बढ़ने वाली है। और दिल्ली NCR में भी कहा गया है कि छुटपुट बारिश के साथ यहाँ पर ठंड फिर से बढ़ेगी। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर का कहर और बढ़ सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली में फिलहाल दिन में भी तापमान सामान्य से कम ही रहेगा और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। 3 और 5 जनवरी के बीच बारिश की भी संभावना है। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत कंपकपाने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मानसा में कोहरे का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जिस कारण लोगों को अपने रोजाना के कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में गिरावट के साथ साथ कोहरा भी घना यहां पर लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। सुबह शाम के वक्त ज्यादा घना कोहरा देखने को मिल रहा है।
बेशक मौसम विच बदलाव तो बाद दसंबर जनवरी के महीने में ठंड बहुत ज़्यादा होंदी है ते इसे करके ही हुण भी दसंबर जनवरी के महीने में मानसा के अगर गल करिए कोहरे का जो कहर है वो बहुत ज़्यादा है। तुम तस्वीरों के देख सकते हो भी बहुत बड़े पद्धर से जो कोहरा है वो सड़कों के उत्ते दिखाई दे रहा है। शहर के खड़े हाँ अभी पर फिर भी जोड़ा है विजिबिलिटी वाहनों की जी बहुत ज़्यादा घट है। लोगों को कुछ भी जाने वास्ते अगे पिछे जाने वास्ते जो है अपनी लाइटा लगा के चलना पैंता है तो वो करके ही डर रहा है भी किसी कोई मंदभागी घटना वगैरह ना वापर जाए। एम एल ए साहब मौसम के बहुत बड़ा बदलाव नज़र आ रहा, बेशक हर साल ही इस तरह का मौसम होंगे पर तुम की कहना चाहोगे की कहने लोगों को कि एक जो स्नेह है वह किमें दोगे? देखो मेरी फीलिंग तो यह है भी आए साल दसंबर जनवरी बहुत ठंड पैंती है, कहीं थोड़ी जी गेती पै जाती कहीं पछेती पै जाती है। इस बार यानी ठीक टाइम तो ठंड पै रही है पर पंजाबियों की एक विरासत है असी तो इस चीज़ को लेके ठंड को जर लें भी साढ़े गुरु साहबान के छोटे साहबजादे तो उन्होंने माता जी ठंडे बुरे के कहे से इन दिनों के जे वह जानी मतलब कि बिना किसी कह लो भी कपड़े लीड़े तो घट कपड़िया यानी ठंडे बुरज के रात कट सकते हैं तो उन्होंने असी याद करके ये मान लें भी कोई गल नहीं असी तो फिर भी साढ़े को रजाइया ने गर्म कपड़े ने। असं यही अरदास करते हैं सारे यात्रियों सारे लोगों भी जोड़े बाहर निकले हुए ने अपनी सेहत का ध्यान रखो जिन्ना हो सके कोशिश करो अपने घर रहो तो क्योंकि मौसम इन्ना ज़्यादा खराब है सड़कों तुम जाने कुछ भी नहीं दिखता। जोड़े यात्री हूँ नवे साल से बाहर गए हुए हैं कोई धार्मिक स्थान पर गया होया कोई हिल स्टेशन पर गया होया असं उन्होंने भी यही बेनती करते हैं कि अपना ध्यान ना लाओ क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। जिस तरह तुम सुने इन्हों का कहना भी लोगों को ठंड तो बचा ली जिते गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए उत्थे संकोच करके ही आपके घरों तो बिना कम तो बाहर आने भी संकोच करना चाहिए। विनोद गोयल जी मीडिया मानसा। तो हिसार में आज रोजाना की तरह धूप खिली हुई है लेकिन रात के तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। एचएयू के मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदनलाल का कहना है कि हरियाणा में 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच बारिश की संभावना है जिससे न सिर्फ सर्दी से निजात मिलेगी साथ ही किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का असर हरियाणा के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बात कर ली जाए अगर हरियाणा के हिसार में फिलहाल अच्छी खासी यहाँ पर धूप खिली हुई है लेकिन रात के वक्त तापमान में गिरावट एक बार फिर से दर्ज की गई है। बहरहाल हमारे साथ हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदनलाल खीचड़ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। खीचड़ साहब अगर टेम्परेचर की बात कर लीजिए जिस तरह से अब अच्छी खासी धूप खिली हुई है कितना टेम्परेचर बना हुआ है फिलहाल और अगर रात की बात कर लीजिए तो रात को किस तरह का तापमान दर्ज किया गया है? ये भी पिछले 4 दिनों से लगातार जो उत्तर पश्चिमी पहाड़ों वाली हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली। दिन का तापमान भी 15 से लेकर 17-18 डिग्री सेल्सियस रहा और रात्रि तापमान 0 डिग्री के आसपास 0.3 और आज 0 डिग्री सेल्सियस रहा और कल IMD ने -1.2 भी ऑब्जर्व किया है। तो इस तरीके से तापमान में उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण और पहाड़ों में हुई बर्फबारी के कारण ये तापमान में गिरावट देखने को पिछले 4 दिनों से मिल रही है और कहीं कहीं पाला भी जमा है और धुंध भी रहती है। अभी अगले 3-4 दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। 3 जनवरी देर रात्रि से बारिश का दौर शुरू होगा जो 5 जनवरी तक रहेगा और ये बारिश किसानों के लिए और फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगी। अच्छा अगर बात कर लीजिए जिस तरह से फोग का माहौल रहता है सुबह आज भी गहरी धुंध छाई हुई थी लेकिन फिलहाल जिस तरह से धूप निकली हुई है उसको लेकर भी कुछ अनुमान है सर आने वाले दिनों में उससे निजात मिलेगी या इसी तरह का माहौल रहने की उम्मीद है? फोग आती है जब वायुमंडल में ज्यादा नमी होती है और ठंडी हवाएं चल रही थी तो इसके कारण थोड़ा ज्यादा था परंतु कल से थोड़ा सा मौसम बदलाव आएगा और बादलवायु और बारिश का परसों से शुरू हो जाएगी तो किसान भाइयों को यही हिदायत दी जाती है कि वो नमी निराई गुड़ाई करके फसल में नमी संचित करें जैसे बारिश होती है नमी संचित करनी पड़ेगी और सरसों और गेहूं और चने और अन्य फसलों के लिए सब्जियों फलदार पौधों में सभी में ये लाभदायक सिद्ध होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार जी मीडिया हिसार।